गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज नवी कक्षा के हिंदी चैप्टर आलोक भाग के नर हो नौ निराश कर मन की जो कविता है उस कविता के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इस कविता के कवि है कवि मैथिली शरण गुप्ता जी। कवि मैथिली शरण गुप्ता जी एक अच्छा कवि है और उनका ये देन मैं समझता हूँ कि हर छात्रों एवं छात्राएं इसे सही ढंग से याद कर लेना चाहिए। कविता का सारांश इस प्रकार है, नर हो नो निराश करो मन की मन को। कविता में कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। कवि कहता है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। यह मनुष्य का जीवन बार बार प्राप्त होना कठिन है, उसे बेकार न जाने के लिए कहा है। अपने कर्तव्य के अनुसार सारी जगत को दिखाना मनुष्य का काम होता है। अपने मन को निराश न करके अपना अपना कर्तव्य निभाना मनुष्य का हक है। इस कर्तव्य द्वारा संसार में लोगों का गौरव प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन का अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कवि ने मनुष्य का अपना कर्तव्य छोड़कर खाली हाथ न बैठने के संदेश दिया है। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने इतना बारीकी से बात को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को इसके बारे में प्रेरित करते हैं कि हम जीवन को आगे कैसे ले चले, हम जीवन को आगे कैसे बढ़ाते चले। हम खाली हाथ बैठना नहीं चाहिए, हम हमेशा कुछ ना कुछ काम दृढ़ संकल्प के साथ कर जाना चाहिए। इसके बारे में ये कविता बताते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं कि गुप्ता जी के इस कविता के कुछ सवाल और जवाब किस तरह है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं। कविता के सारांश के बाद हम सवाल जवाब इस तरह है, तन को उपयुक्त बनाए रखने के क्या उपाय है। कवि के अनुसार अपना तन को उपयुक्त बनाने के हेतु अपना कर्तव्य को उचित रूप से निभाना चाहिए। मन को खुशी बनाने के लिए अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कर्तव्यों के बिना लोग निराश होकर बैठना लज्जाजनक है और आदमी बीमार हो जाने का संभावना है। इसलिए उन्होंने कर्मों को ही उपयुक्त उपाय मान लिया है। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कवि के अनुसार जग को नीरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए। यह संसार का परम ब्रह्म कृष्ण ही सृजनहार है। इसमें मनुष्य को सपनों में जो मालूम होता है वो सच नहीं है। इस संसार में रहने वाले हर प्राणी को ही वास्तव में दिखाई जाती है। इसमें मनुष्य केवल नीरा सपना की भांति निरंतर खाली हाथ बैठने से कोई काम नहीं होगा। संसार को हमेशा वास्तव ही समझना चाहिए और मन भावना को लगातार कर्तव्य पालन करने से मालूम होगा कि यह दुनिया नीरा सपना नहीं है, यह संसार का वास्तव रूप में है। अमरत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है। अमरत्व विधान से कवि का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। कर्मठता में ही अमरत्व विधान हो सकता है। उसमें रहने वाले सुधा को पहचानने के लिए कहा है। इसका सुधा रस को पान करके अपने ही अमरत्व प्राप्त कर सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यदि हमें उसे छोड़ दिया जाता है तो उसमें इसमें रहने वाली अमृत धारा पीने का अवसर नहीं मिलेंगे। अमरत्व विधान के बाद हम लोग अपने गौरव का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपना कर्तव्य को उचित रूप से निभाने के लिए संदेश दिया है। मनुष्य अपना हक वास्तव में प्रयोग करके आत्मगौरव प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। हमें कोई काम में ध्यान न रखकर चलने से जीवन गथा असफलता है।
हमें गौरव को हमेशा ध्यान रखते हैं तो अपने कर्मठता को नजर देना उचित है। बिना परिश्रम से इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने हमेशा गौरव को अच्छी तरह नजर डालकर कर्तव्य को निभाने के लिए बोला है। इस मनुष्य का यही मनुष्य ही भलाई है और अमरत्व है। कविता का प्रतिपाद्य क्या है? कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने इस कविता में मनुष्य का कर्मठता का संदेश दिया। मनुष्य अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचानने के लिए प्रयत्न किया है। मनुष्य का जीवन गाथा को सुमधुर बनाने की कोशिश करना अत्यंत आवश्यक है। बिना परिश्रम का जीवन अधूरा है। अपने हाथ में आने वाले सुयोग को कभी भी न जाने देना मनुष्य अपना कर्तव्य समझना चाहिए, क्योंकि यह संसार विचित्र रूप से भरा हुआ है। इस भव कानून में रहकर अपने आप को पहचान लेना उचित है और सुधा को पान करके अमरत्व प्राप्त करना चाहिए। सभी लोग गौरव प्राप्त न कर सकते यदि अपने निराश होकर रहे। हमेशा अपने गौरव के प्रति ध्यान देने से मरणोत्तर में भी अपना कृतिय रहेंगे। इसलिए कवि ने नर हो न निराश करो मन को निराश नहीं होने के लिए बताया है। सप्रसंग प्रसंग व्याख्या करो, संभलो कि सुयुग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। इस पंक्ति हम लोग जो अक्सर लिखते हैं, व्याख्या जिस प्रकार करते हैं उसी हिसाब से यह करना है। इसका जो मूल विषय है वह है कि यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने कहा है कि मनुष्य हमेशा सद्गुणों का अधिकारी बनना जरूरी होता है। अपने जीवन की कर्मठता बनाकर हाथ में आने वाले सुयुग को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि जीवन में कोई सुयोग मिल जाए तो उसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। व्यर्थतापूर्ण जीवन का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य लोग व्यस्ततापूर्ण से ही सुंदर बना सकता है। इस संसार में हर कदम हर पल नीतिपूर्वक रूप से कर्तव्य निभाना आवश्यक है। दूसरा हिस्सा इसका है, इसके अलावा मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है। अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को समझकर उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। यह जग में चलना फिरना अत्यंत कठिन है। हमेशा अपने आप को संभाल कर सुयोग ग्रहण करना उचित है। कवि ने इस मनुष्य जीवन को कर्मशील होने को कहा है और सुधा रस पान कर अपना व्यर्थ जीवन को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। दूसरा है, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता है वह सत्य कहा। वही पहले की जैसा इसका हेडिंग बनाना है। इसके बाद इस पंक्तियों में कवि ने अपना महत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में बताया है। इस संसार में अपने कर्तव्यों को परम संतोष से ग्रहण करके तत्व का अधिकारी बना सकता है। यदि मनुष्य अपने हाथों से सुयोग खो देता है तो तत्व सत्य मिलना आसान नहीं है। इस पंक्तियों से कवि ने यह साबित करना चाहता है कि जो मनुष्य ठीक ढंग से कर्तव्यों को निभाना जानता है वो कभी तत्व को नहीं भाग सकता है। इस संसार में लोग जब उचित रूप से कर्तव्य पालन करता है उसे कोई विपदा नहीं होता है। एक बार हाथ में सुयुग आ जाने से कर्तव्य निभाने वाले व्यक्ति को सत्य मिलता है। इसलिए कवि ने सुखद पाने के लिए मनुष्य को मन में हमेशा कर्तव्यों के प्रति नजर रखना आवश्यक है। प्रकृति द्वारा परिचालित संसार के तन्मूल भावों से अपना अपना परिचय देकर आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान, कविता के अंदर जो भाषा और व्याकरण के बारे में है इस तरह है, तुकंत शब्दों का तुकंत शब्द लिखना है। अर्थ व्यर्थ तन मन चला गला सपना अपना तत्व सत्य यहाँ वहाँ ज्ञान ध्यान मान धन, ये कुछ तुकांत शब्द है कविता में दिए गए। उपसर्ग अलग करना, व्यर्थ वी उपयुक्त उप सुयुग सु सुदुपाय सत प्रशस्त प्र अवलंबन अव निराशनी, ये सब कुछ उपसर्ग है। विलोम शब्द उपयुक्त अनुपयुक्त नीस पर निराशाशीर अपना पराया सुधा गरल ज्ञान अज्ञान मान अपमान जन्म मृत्यु, इस तरह कुछ चीज़ें हैं। ठीक उसी तरह तीन तीन पर्यायवाची शब्द भी है। ये टेक्स्टुअल है, टेक्स्ट में जो दिया गया है उसी का ये सवाल जवाब है। ये मैं आशा करता हूँ कि सभी को इसके बारे में पता है और ये भी लिख सकेंगे। तो बच्चों,
जल्दी से जल्दी यहाँ जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना, ताकि वीडियो बनाते ही अच्छा वीडियो बनाते ही तो आप लोगों को मिल जाए। और अगर हमारे ये काम आप सभी को पसंद आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसके बारे में और कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग हमारे patreonslist.com सफील इस्लाम्स में भी जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।